पूरा वॉक पे था। आगे आते आते ये देखें लंदन का एक और प्रोमिनेंट जो है ना लैंडमार्क आ गया है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय बिहाइंड द सीन चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? ठीक हैं। आज हमारा चौथा दिन यूके के अंदर, ठीक है। कल का जो मैनचेस्टर का जो एक्सपीरियंस था और वहाँ पे हम गए थे, और इसके बाद फिर फरारी का, लैम्बोर्गिनी का एक्सपीरियंस था जो कि मेन चैनल पे आया था, होपफुली आप लोगों ने बहुत पसंद किया होगा। और ये है कि अब आज का दिन स्टार्ट करते हैं। जस्ट मैं आज उठा क्योंकि कल रात, यकीन करें, जब मैं मैनचेस्टर से वापस आया तो मैं जो है ना मोबाइल पर एडिट नहीं कर रहा था, मैं लैपटॉप एडिट कर रहा था। कल मैंने अपना देखें लैपटॉप वगैरह वहाँ पर सेटअप कर दिया था, ठीक है। और क्योंकि मैं बेड पे लेट के अक्सर जो है ना रात को आके एडिट करने लगता था तो मेरी आंख लग जाती थी, ठीक है। मैं लैपटॉप एडिट किया, मैं सुबह सोया, ठीक है, और सिर्फ मेरी कोई 5 घंटे नींद हुई है। मैं 9:30 बजे जो है वो उठ गया दोबारा। तो अब बस मैं फ्रेश हुआ हूँ, मैंने बोला टाइम वेस्ट नहीं करते, आप लोगों को लेके चलते हैं। भाई आज हमारे पास है, ये आप देख लें, फलस्तीन की मजदूर खजूर, ठीक है ना। और ये हम ज़रा ट्राई करते हैं आज, यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट्स आ जाती हैं वहाँ से। ये देखें, वाह, ये बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही है। ट्राई करते हैं अब ज़रा इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बेहतरीन टेस्ट है, ज़बरदस्त है, माशाल्लाह। मैं ज़रा नीचे गया था चक्कर लगाने के लिए। अच्छा भाई, सीन अब कंफर्म हो गया है कि तकरीबन हम 2 बजे के करीब निकल रहे हैं लंदन के लिए, सही। वैसे लंदन में बहुत रश है क्योंकि वहाँ पे मैच है, जिसकी वजह से होटल के अंदर जो है ना रिजर्वेशन वगैरह फुल है। तो अब छोटा सा एक बैग बना लेते हैं जिसके अंदर 2 दिन के अपने कपड़े ऊपर रख लेते हैं और कैमरा शैमरा ये वो सारी चीज़ें रख के इसके बाद निकलते हैं लंदन के लिए। चले भाई, बैग शैग बना लिया और हम लोग निकल रहे हैं। गाड़ी आ गई भाई। अस्सलामुअलैकुम भाई, इस वक्त वक्त हो रहा है 2:30 बज रहे हैं, नमाज हमने पढ़ ली है जोहर की और अब जो हम निकल रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं इंशाल्लाह। भाई ये लंच जो है ना हमने कुछ ले लिया था और अब हम गाड़ी में ही हल्का फुल्का जो है ना करते हैं। रैप है और फ्राइज है, ये काशी भाई लेके आ गए थे। ये भाई ये रैप है और ये फ्राइज है, फुल मसाले वाले फ्राइज हैं, चेक करें आप लोग। हाय हाय हाय, खाएंगे आप लोग तो खाएं। नजर मिली न जुबां हिली, यूं ही सर झुका के गुजर गए। कभी जुद उस दिन हमने जो चिकन खाई थी वो भी यहीं से थी ना, फेमस है। रैप भी अच्छा है। 5 बजे हैं और हम लोग जो है ना फाइनली लंदन पहुंच गए हैं। तो इस वक्त हम लोग जो है ना सेंट्रल लंदन में हैं और यहीं पे स्टे करेंगे। इलाका है वेस्टमिंस्टर और अब हम जो है वो पहले जा रहे हैं होटल की तरफ, ऐसे ही है ना, होटल की तरफ जा रहे हैं, चेक इन करके इसके बाद फिर निकलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। भाई हम होटल के अंदर जा रहे हैं, लेकिन ये आपको बता दूं होटल जो है ना ये बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने है, सही है। लंदन आए भी बिल्कुल सामने है। अभी बस हम जब जाएंगे पूरी स्ट्रीट के ऊपर आपको घुमाने के लिए ज़रा अपने साथ, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा यहाँ का व्यू, मतलब लंदन की जितनी भी मेन अट्रैक्शन है वो सारी यहीं पर। ये भाई होटल की लॉबी है, ठीक है, और ये आगे रिसेप्शन, यहाँ पर जस्ट चेक इन करेंगे हम लोग और फिर जाएँगे अपने रूम में। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त होटल है। चेक इन हो गया भाई, अब हम जा रहे हैं रूम के अंदर, आपको रूम दिखाते हैं अपना, ठीक है, चलें। भाई ये हमारा जो है ना होटल का कमरा है, ठीक है, और ये देखें ये व्यू है यहाँ का, वेलकम टू लंदन, सही है। अब आप लोग घूमें, ये देखें नीचे डबल डेकर बसेस जा रही हैं, ये सिलसिला है सारा। और रूम भी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, और ये बाथरूम है और ये भाई यहाँ पर सोफ़ा लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्रीन है, सारा सीन ये है भाई। वो देखें पीछे मेरा होटल है, सही है, पार्क प्लाजा, और यहाँ पे इस वक्त मैं वेस्ट मिंस्टर ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ। और ये देखें लंदन की एक टॉप अट्रैक्शन लंदन आई मेरे बैक साइड के ऊपर है, और एक और सबसे प्रोमिनेंट अट्रैक्शन ये रहा भाई बिग बैन, क्लॉक टावर भी कहते हैं इसको, और साथ में जो है वो पार्लियामेंट है यहाँ का। तो ये जो है ना तकरीबन इसको 163 साल हो चुके हैं, मतलब ये जो बिग बैन क्लॉक टावर आप देख रहे हैं, बाद में रेनोवेशन वगैरह होती रही हैं लेकिन 163 साल पुराना है, ठीक है, और तकरीबन 316 फीट जो है वो इसकी हाइट है। 1859 में बनाया गया था।
हाँ ये चेक करें भाई, ये जो स्टैचू बना हुआ है ना चर्चिल का बना हुआ है। चर्चिल जो है वो प्राइम मिनिस्टर था वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे, और मतलब इसको यहाँ पे इसलिए याद किया जाता है कि इसने आखिर तक हार नहीं मानी थी, वरना सब जो है ना हार मान के गिव अप कर चुके थे। इसीलिए जो है ना एक मेमोरेबल स्टैचू बना के यहाँ पे लगाया हुआ, ये देखें चर्चिल। तो कैसा लग रहा है भैया आप लोगों को मौसम कैसा लग रहा है? सर्दी तो नहीं लग रही क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ घूम रहे हैं ना लंदन यहाँ पे। अब जो है ना इस तरह के देखें यहाँ पे जो है वो छोटे छोटे रिक्शा टाइप के बने हुए, और इसमें बैठ के हम लोग जा रहे हैं क्योंकि और यहाँ पे जो है ना कोई भी टैक्सी वैक्सी नहीं मिल रही है इस इलाके के अंदर, बाकी सामने तो मिल जाएगी। तो हम हाइट पार्क जा रहे हैं। चले भाई जी मतीन भाई, हाइट पार्क जा रहे हैं। चले भाई ये जो है ना इंजॉय करते हैं ये वाली राइड ज़रा। अच्छा हाइट पार्क जाते जाते आपको मैं बताऊं कि हाइट पार्क जो है वो समझ लें आपके वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क के अंदर है जो कि सेंट्रल लंदन के अंदर है। ये देखें भाई ये जो आपको इमारत नजर आ रही है ना ये एबे है, और यहाँ पे जो है ना जितनी भी रॉयल फैमिली की जो शादियाँ होती है ना ये सारी यहीं पे होती हैं, ठीक है ना। ये सीन है, इस राइड का भी अपना ही मजा है भाई। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम आराम से बैठे हुए इसमें जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप साथ साथ बंदे की एक्सरसाइज भी हो रही है। ये सेमी ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं, इसको कुछ बैटरी की पावर है और ये इस तरह चार्ज भी होती रहती है, चलती रहती है, चार्ज भी होती रहती है। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी हो रही है, पैसे के पैसे भी आ रहे हैं। हाँ काफ़ी सारे लोग वीडियोस को देख रहे होते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, सही है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया करें अपने दोस्तों वगैरह के साथ। हम इतना एफर्ट्स कर रहे होते हैं आपको सारी चीज़ें जगहें घुमाएं, तो आप लोग भी जो है ना थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह किया करें भाई। आज मैंने जो है ना जब हम नॉटिंगहम से लंदन आ रहे थे ना, आज मैंने गाड़ी में टॉपिक छेड़ दिया हॉरर। मैंने बोला भाई किस किस के साथ हॉन्टेड सीन हुए हुए हैं, तो यहाँ तो लाइन लगी हुई है। ये हमारे भाई जो बैठे हुए हैं इनके साथ भी हॉन्टेड सीन हुए हुए हैं, काशिफ भाई के साथ भी हुए हुए हैं। तो अगर लोग कॉमेंट करेंगे ज़्यादा तो फिर हम इंशाल्लाह जो है ना इनकी स्टोरी टाइम बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। प्लस इन लोगों ने बताया कि कुछ यहाँ पे हॉन्टेड प्लेसेस भी हैं, हम आपको वहाँ पर भी लेके जा सकते हैं। तो बताएं भाई वोट करें कितने लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी हॉरर मूवीज़ यहाँ के भी घरों के अंदर, मतलब आप देखें कि जो नॉटिंगहम में जिस तरह के घर थे इसी तरह के घरों के अंदर ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ जो है ना बनाई जाती हैं। अब जो है ना हम आ गए हैं हाइट पार्क में, और ये हाइट पार्क की एंट्रेंस है, और इस ये मतलब ये बहुत फेमस पार्क है। इसको आपने जो है वो काफ़ी सारी हो सकता है कि वीडियोज़ में मूवीज़ में भी देखा। घुमाते हैं आपको ज़रा हाइट पार्क हम लोग। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ग्रीनरी है, देख रहे हैं सूरज अभी बिल्कुल अपने पावर में है, 7:45 बज रहे हैं। हमारे लिए तो एक बड़ा अनोखा एक्सपीरियंस है यहाँ पे टाइम चेंज होना और डे लाइट का ज़्यादा होना। चलें भाई अब ये वाली टैक्सी के अंदर भी जो है ना आपको घुमाते ज़रा। ये है भाई इसके अंदर इस तरह आमने सामने सीन होता है, दो बंदे इधर बैठ जाए आराम से। सही है भाई ये इस तरह है टैक्सी। अब भाई हम टैक्सी से उतरे हैं और ये है मार्बल आर्च स्टेशन है, सही है। और यहाँ से अब हम जो है ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट को जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं, और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट आपको पूरी हम घुमाते हैं यहाँ से। अब ये आप जो देख रहे हैं ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, ठीक है, शॉपिंग स्ट्रीट है आप कह सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारी शॉपिंग की जो है वो चीज़ें। अच्छा यहाँ पे भी प्राइमार्क है, सही है। और प्राइमार्क जो मैंने आप लोगों को ब्लॉग के अंदर दिखाया था वो दूसरा था, वो दूसरे सिटी के अंदर था, लेकिन मुझे हमारे भाई ने ये बताया कि भाई जान ये जो है ना क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर है, यहाँ पे जो आपको चीज़ें मिलेंगी उसकी कॉस्ट थोड़ी अच्छी भी होगी, मतलब अच्छी एक्सपेंसिव चीज़ भी मिलेगी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। बाकी पूरे यूके के अंदर आपको प्राइमार्क के ऊपर जो है ना इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ का सीन थोड़ा सा एरिया के हिसाब से जो है ना डिफरेंट है, चीज़ें एक्सपेंसिव हैं और अच्छी हैं। और ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं ये अभी जो है ना जुबली आ रही है, क्वीन की जुबली आ रही है, जिसकी वजह से जो है ना पूरे यूके के अंदर आपको जो है ना ये फ्लैग्स नज़र आएंगे सजाया हुआ है लोगों ने सारा। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर ही हैं, और थोड़ा सा आगे आए तो बॉन्ड स्ट्रीट स्टेशन आ गया, ठीक है। ये किस वजह से जो है फेमस है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर डायमंड्स, ज्वेलरीज, बड़े बड़े ब्रांड्स, बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम्स अगर आपको चाहिए ये सारा सीन यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। तो जिस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं ना सीन बहुत ऊपर जाता जा रहा है भाई। चलते चलते हमने सोचा कि ये देखें स्ट्रीट पे ही देखा कि यहाँ पे फ्रेश जूसेस हैं, तो हमने सोचा कि भाई फ्रेश जूस पीते हैं, और सबसे ज़्यादा मेरा दिल किया इसमें से पाइनएप्पल का। भाई सबने अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई किए, मैंने पाइनएप्पल ट्राई किया, क्योंकि जूसेस के मामले में आपको पता है मुझे जूसेस का शौक तो है, लेकिन सम टाइम्स जो है ना कोई नया अगर आप एक्सपीरियंस करो ना तो उल्टा भी हो जाता है, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
इसमें पाइनएप्पल के साथ इन्होंने थोड़ा सा ऑरेंज भी मिलाया, ये अच्छा है। एप्पल स्टोर, अब यहाँ का एप्पल स्टोर भी देखें आप, कितनी पुरानी कदीम इमारत के अंदर ये भाई देखें, बहुत बड़ा एप्पल स्टोर है। लेकिन आज संडे है, हम लोग ऐसे दिन आए हैं आज यहाँ पे कि संडे सब बंद है। ये देखें बहुत बड़ा एप्पल स्टोर है। ये मॉल्टन ब्राउन है, मॉल्टन ब्राउन जो है वो एक बड़ा ब्रांड है परफ्यूम्स और ये सारी इस तरह की चीज़ें इसके अंदर हैं। फिर सामने आप देखें H&M, और सामने आप देखें लॉन्गचैम्प, वीकडे, ये सारे बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं। भाई इस स्ट्रीट के ऊपर वॉक करते हुए अंदाज़ा हुआ कि सदर में जो भी ब्रांड 500 रुपए में हमारे पास मिल जाता है ना जिसकी कॉपी, तो उसके सारे ओरिजिनल ब्रांड जो है ना यहाँ पे हमने देख लिया आज। पूरा वॉक पे था, आगे आते आते ये देखें लंदन का एक और प्रोमिनेंट जो है ना लैंडमार्क आ गया है, सही है, पिकेटली सर्कस कहते हैं इस जगह को। मुझे इसका पहले नाम नहीं मालूम था, आज नाम मालूम हुआ है। ये जगह आपने बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस में, मूवीज़ में, टीवी शोज़ में देखी होगी, और ये जगह भी देखी होगी। ये देखें ये जो है पिकेटली सर्कस है, बहुत फेमस जगह है, बहुत सारे टूरिस्ट इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। देखें लोग पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं अक्सर यहाँ पे, आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा तो सैनियों का ऐड भी जो चल रहा होता है वो यही जगह है। देखें आजकल जैसे इस्लामाबाद में घूम रहा है या लाहौर में घूम रहा है इस तरह सोने का आदमी ना, इस तरह यहाँ पे भी है। देखें ये खातून बैठी हुई हैं। अच्छा अब जो है ना पिकेडली सर्कस से जैसे ही हम लोग आगे आते हैं तो फिर यहाँ पे लेस्टर स्क्वायर है, लेकिन लेस्टर स्क्वायर के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा कैसीनो और ये वो सब कुछ, मतलब समझ लें आपके बिल्कुल डिफरेंट माहौल है, सही, अपने मतलब का कोई माहौल नहीं है। लेकिन इस जगह की एक खास बात ये भी है कि जहाँ ये देखें पीछे भी आपको काफ़ी सारी आवाज़ वगैरह आ रही होगी, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे सेम टाइम ऐसा भी होता है कि ये कैसीनो के गेट हैं और सामने जो है वो दीन की दावत भी दी जा रही होती है और यहाँ पे इस्लामिक बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जा रही होती है, तो इस तरह मतलब दीन की दावत का सिलसिला भी यहाँ पे चल रहा होता है इसी जगह के ऊपर। तो ये खास बात थी, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब वक्त हुआ चाहता है कुछ इटालियन आइसक्रीम का, ठीक है, एमरीनो पे आए हैं हम लोग और हमारे भाई ने बोला कि भाईजान ये लाजमी आपने ट्राई करना है, सीन चेक कराते हैं आपको, चेक करें, बिल्कुल डिफरेंट सीन है यहाँ पे। ये देखिए ज़रा टेस्ट करते हैं, देखें काउंटर पे जो है ना ऑर्डर का सीन नहीं है, ऑर्डर आपने इसी तरह इस स्क्रीन के ऊपर करना है, यहीं से पेमेंट होगी और इसके बाद फिर आप कलेक्ट वहाँ से करेंगे। भाई यहाँ पे जो है ना चॉकलेट वगैरह का सीन है, लेकिन मैंने मैंगो सोर्बे लिए क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है। ये भाई मैंगो सोर्बे, थैंक यू, फील कर रहे हैं आप लोग कि किस लेवल की होगी, ये चेक करें भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़रा ट्राई करते हैं। सोर्बे में जो है ना दूध नहीं होता, तो बड़ा हर फ्रूट का बड़ा जो है ना रियल फ्लेवर जो है ना फील हो रहा होता है इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त है। और अब आप ये देखें ये जो है ना चाइना टाउन आ गया, ठीक है, चाइना टाउन ये कोई स्पेसिफिक रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि ये पूरा जो है ना पूरी जो स्ट्रीट है ना अंदर, यहाँ पे सारे जो है ना चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। ये देखें चाइनीज़ टपास हाउस और पता नहीं आगे डीप फ्राइड चिकन ब्रेस्ट बबल टी, ये देखें आगे सारा जो है ना चाइनीज़ का सेटअप पूरी स्ट्रीट। भाई बहुत वॉक किए और कितना घुमाया है आप यकीन करें, आप लोग खुद शायद देख देख के जो है ना थके होंगे, इतना आज आपको लंदन घुमाया हमने, लेकिन अब जो है ना थकन टाइट हो गई। इस जगह पे एक अरबिक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम लोग रुके और यहाँ पे भाई ने कुछ खाने का ऑर्डर किया, देखते हैं ज़रा क्या आ रहा है, तो कुछ खाएंगे पियेंगे, इसके बाद थकन टाइट है तो फिर खाना पहले आपको दिखाते हैं, इसके बाद फिर होटल का रुख करेंगे। भाई ये भाई खाना आ गया है, चार शॉर्मा, सही है, और फ्राइज़ आपको पता है फिर मैंडेटरी होते हैं, और ये जो है ना चिली सॉस, सही है, ठीक है, अब ज़रा ट्राई करते हैं भाई क्या सीन। अच्छा ये देखें भाई ये है चिकन शॉर्मा यहाँ का, लेकिन इसके अंदर जो है ना यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, ऊपर सिर्फ चिकन है और ऑलिव ऑयल भी डला हुआ है इसके अंदर, ट्राई करते हैं ज़रा। नॉर्मल है, एवरेज शॉर्मा। तो भाई कैसी लगी आज की वीडियो आप लोगों को, पूरा दिन हम बहुत घूमे, बहुत एक्सप्लोर किया चीज़ें और कोशिश यही थी कि मैक्सिमम आज आपको चीज़ें करके दिखाएं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर नई चीज़ों के साथ, नई जगहों के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा, सलाम अलैकुम।